आ जौन उनकर शहर बन हमारे घर से नट्टी में हाथ लगा के गिरा दिलन चौकी पर के आज ले कमर में दर्द बा, इज्जत लूटे के तबाह कैले रह लो। तब फिर हमारी भौजाई उनकर पोता पकड़लस तो छोड़लन, तो हम छोड़ के हटनी। आई मान ले चार पाँच गो लोग माने इमें बाटे जेबी बा, खौवा कमौवा लोग बाटे, चार पाँच गो लोग जो खौवा कमौवा पर बिजनेस उठे ले बालू कि पैसा लेके चलो गरीब के सता दवाई कर, कह लो गरीब का मसीहा नहीं सर, गरीब के गरीबे से लूटे ला लो, कहीं अमरीका लगे ना जला लोग पैसा मांग करते, ये खाली गरीबे से चंदा मांगी लो, खाली चंदा मांग मांग के अपन काम कर दिलो तीन पाँच कहते क्या कि माले पटे तू जाके चंदा उछलत रह, लोग नट्ठी दाबत रह आ घर से उजाड़ के फेंकत रह, मैंने बिल्कुल फर्जी वाला बा जी। उनमें कहीं से सत्यता नहीं के पूरा लोग देखा वगैरह के मरल बड़े 97 में पेपर बनल बा 12 में तब ओकरा के तो बच्चा भी देखी तो कही कि फर्जी वाला बा। देखी 420 सही बह में वो बेचारा गरीब आदमी बहु ओकरा के तंग कइल जाता, आई 420 फर्जी कागज कुली बा, फर्जी बनले बा, बिल्कुल फर्जी बा। इन एक हई हूँ इनकर बाप मौला दिन रहबे कैलन, उ 3.5 घंटा लिखले बड़े बाकी तो नहीं लिखले। देख तो सब हौसला बह कर क्या कह ली तो माँ एकदम 420 के जारी बाबे। घर में हम रहते थे, हमारे विकलांग माँ है, हमारी बहन भाभी है, उनको मार के निकाल के और यहाँ से भगा दिया गया और घर जो है तोड़ ताड़ के फिर नया जो है घर ये लोग बनाया। एक और चीज हमें बड़ा रोचक देखे के मिलल है, रोचक की देखे के मिलल है कि जैसे यहाँ के पिताजी जो उनकी जमीन के रजिस्ट्री के जो दावा कल जाता है 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जो उनकी एफिडेविट है ये शायद नोटरी के एफिडेविट है जो उनकी वजह टाइप करा के बनल बटे, इमें जो तारीख लौकता वो 13/2/2012 हो, जबकि यहाँ के पिताजी के जो डेथ सर्टिफिकेट बटे वो 1997 के बाद 9/6/1997 के बाद, तो जे 1997 में जो डेथ हो गई रहे वो 2012 में आकर रजिस्ट्री कैसे कैलस, ये थोड़ा सा जौन बा सवाल बनत है यहाँ पर। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स और अभी हम बानी जीरादेई प्रखंड क्षेत्र के सिंगही गाँव में और सिंगही गाँव में एगो पंचायत के आयोजन भइल बा। पंचायत ऐसे यहाँ पर आयोजन भइल बा कि एगो जमीनी विवाद बटे और विवाद के थोड़ा सा हम समझे कोशिश करें और यहाँ पर पूरा गांव के इकट्ठा बा, पूरा गांव के लोग इकट्ठा बा, मुखिया सरपंच सारा लोग इकट्ठा बा, तो यहाँ लोग से हम जाने की कोशिश करें। पहला यहाँ के एगो पक्ष बनी जेकर विवाद बा, रउआ भैया बताई का आखिर विवाद बटे, हम जैसे कागज थोड़ा सा देखनी है, बातचीत देखनी है, तो उसमें शायद राव पिताजी जमीन लिखले बनी और केहू दूसरा पक्ष बा जे एगो 20 रुपये के कागज रहा हमें देखनी है ए पर अभी देख ली रहुआ थोड़ा सा गौर से कि 20 रुपये के कागज़ पर 20 रुपये के स्टाम्प पर कौन रजिस्ट्री होला आज तक हम तो नहीं सुन ले। खैर रहुआ बताई मामला का टोटल मामला ये बाटे कि पटीदार हैं हमारे, हमारे रैयत के हिसाब से हमारी वो एक बुआ लगती हैं, उन्हीं की बेटी जुबैदा है, तो जुबैदा ने बोला कि भाई हमने सेवा किया, ये किया, बहुत कुछ किया और उन्होंने जो हमारे पिताजी ने लिखा है तो हमने पंच के द्वारा ही कहा गया कि भाई जाके आप कोर्ट से पेपर निकाल के लाइए। हम गए तो हमको चार डीड मिला, चार डीड में हमने देखा कि उसमें 4 धुर 2 धुर लिखा हुआ है घर में और 3.5 कट्ठा घर ज़मीन में भी लिखा हुआ है खेत में, वो चार ही जायज हैं, तो हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जो हमारे पिताजी ने लिखा है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमने पंच के सामने रख दिया कि भाई ठीक है उनको दे दिया जाए, बाकी का जो है वो हमारा दे दीजिए। तो वो फिर बाद में ये जो है 20 रुपया का स्टाम्प पेपर पे जो है उन्होंने ये टाइप करवा के और ये सारा मतलब कि मनगणत कहानी बना के उन्होंने सबको भ्रमित किया और इनका दिमाग इधर उधर किया। इससे बेहतर है कि मैं इसका जांच भी करवाया, छोटे बाबू सदुदन बाबू सब कुछ करवा के देख के वो ऊपर लिखा भी है उनका लिखा हुआ कि इसका मान्य नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अगर जांच करना है तो जांच कीजिए, जो हमारा ज़मीन है वो छोड़ नहीं रही है, ज़मीन हमारा छोड़ा जाए, जो हमारे पिताजी लिख दिए हैं वो हम उनको दे रहे हैं, बाकी का जो नहीं है वो हमको छोड़ दिया जाए, हम उस पर खेती करना चाहते हैं। घर में हम रहते थे, हमारे विकलांग माँ है, हमारी बहन भाभी है, उनको मार के निकाल के और यहाँ से भगा दिया गया और घर जो है तोड़ ताड़ के फिर नया जो है घर ये लोग बनाया। अभी हम बस यही जो है हमारे ग्राम के जो है मुखिया जी हैं और सरपंच जी हैं
और बघौनी के भी मुखिया जी आए हुए हैं, इनसे भी हम रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई आप लोग मिल के और पूरे गांव के लोग के साथ बैठ के पंचित करके और ये फैसला कर दीजिए। हमको कोर्ट मुकदमा जाने का शौक़ नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत परेशानी मैं झेला पहले, तो मैं यही निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ कि सब लोग मिल के और गाँव के लोग मिल के इसका विस्तार से फैसला कर दे कि आने वाले दिन में ना उनके औलाद को प्रॉब्लम हो ना मेरे औलाद को प्रॉब्लम हो, बस हम यही चाहते हैं। बिल्कुल। एगो और चीज़ हमें बड़ा रोचक देखे के मिलल है, रोचक की देखे के मिलल है कि जैसे यहाँ के पिताजी जो उनकी जमीन के रजिस्ट्री के जो दावा कल जाता है 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जो उनकी एफिडेविट है, ये शायद नोटरी के एफिडेविट है जो उनकी हो जाए टाइप करा के बनल बटे, इमें जो तारीख लौकता उ 13/2/2012 है, जबकि यहाँ के पिताजी के जो डेथ सर्टिफिकेट बटे उ 1997 के बाद 9/6/1997 के बाद, तो जे 1997 में जो डेथ हो गई रहे उ 2012 में आकर रजिस्ट्री कैसे कैलस, ये थोड़ा सा जौन बा सवाल बनत है यहाँ पर। जैसन हम डीड के एक पहले ही पढ़ले रही है जो टाइप करावल गल बाय में लिखल बा कि यहाँ के पिताजी के वो जुबैरा खातून जोन बड़ी वो सेवा कैले बड़ी और सेवा के एवज में वो अपन पूरा चल अचल संपत्ति जोन बा उल्लिख दिले बड़ा, हालांकि सादा पेपर हो और ए पर सिर्फ टाइप कैल बा, ना कोनो साइन बा ना कोनो मोहर बा, और वैसे भी सादा पेपर पर कौन रजिस्ट्री होला ये भी सवाल बा। यहाँ पर सरपंच जी बानी, सरपंच जी रुआ बताइए अभी यहाँ पर रुआ उपस्थित भल बनी लो और फैसला करे खाती, चूँकि ग्राम कचहरी एगो बहुत बड़ा कचहरी है, का निर्णय लिहल जा रहा भाई सारा चीज देखते हुए? अब ग्राम जनता लो बा के सब अथी बनू आधार पर काम होकर रखा, हम तो एक खाली समस्या के हल खोले रहने जी वो बताओ, मकान जो ना रहे वर्तमान में वो बता पुराना मकान, उसमें जो प्रशासन के सहारा लेते हुए वो मकान में कह के हम घुसाओ नहीं, 6 महीना रही में 6 महीना के बाद इलू मारपीट के कह के जब यदि भगा दिली और कब इलू सुत गज गई और बाद हमने के चुप लगा कर नहीं जा माली पार्टी ना आई तो हम क्या कर जा फिर बनाइल बने हम बुलावल बने फिर हम गाइल बनी जा तब एक पक्ष तो है नहीं खाई कल बनन तब एक बाद हम चल के कुछ प्रशासन से सहयोग ले ली कुछ उनका से बात कर ली तो उनका तालब तुर चाहे कुछ कर ली, कानून तो अपना हाथ में लहल ना जी अकेले चल के बिल्कुल प्रशासन बिना हम लोग काम नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि हम प्रशासन तो है नहीं लेकिन ग्राम कचहरी सरपंच यहाँ जज बनी ठीक है सरपंच है तो हम हमारा प्रशासन नहीं है हमारे पास, मान ली कुछ कुछ कह देगा कोई बोल देगा अपना ही तो प्रतिष्ठा है ना, तो उसको हमको सूचना दे ही के कौन काम करना है, बिना प्रशासन के आदेश लिए हम काम नहीं आगे बढ़ाएंगे ना। ग्राम कचहरी है तो मान लीजिए हमारे यहाँ नोटिस दीजिएगा हम उसको बुलवाएंगे उन लोगों की तारीख है तो ये लंबा प्रवेश हो जाएगा, तो ये हम नहीं हमारा बस के नहीं होगा फिर हम कोर्ट भेज देंगे, बिल्कुल कोर्ट भेज देंगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, तो हम लोग इसको वर्तमान में थोड़ा सा मौखिक पंचायती करते हैं। जैसे मौखिक पंचायती में वही कागज वगैरह देखनी है जैसे कुछ डीड बवे हई एगो 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखल बा, ये देख के का लागल देख तो सब लोग हॉस्ट है करके का कहली तो मैं एकदम 420 के जारी बवे एब तुरंत अभी एफ आई आर कर ली तो पार्टी कह दे जो है हम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं एफ आई आर नहीं करना चाहते हैं, तो बताइए इसमें उस मुखिया सरपंच लोग क्या करेंगे, हम लोग पंचायती ना करेंगे, पार्टी मानेगी तो उसको मनाएंगे नहीं मानेंगे तो नहीं मनाएंगे, ना तो कोर्ट चले हम लोग इसका सपोर्ट में रहेंगे, थाना चले हमारे साथ थाना में चलेंगे, कोर्ट चले कोर्ट में चलेंगे। मुखिया जी भी यहाँ पर उपस्थित बने, मुखिया जी का देख के लागत है मामला टोटल फर्जीवाड़ा के बा या जबरदस्ती परेशान कल जा रहा है यहाँ के? मैंने बिल्कुल फर्जीवाड़ा बा जी, उनमें कहीं से सत्यता नहीं है, पूरा लोग देखता वगैरह के कि मरल बड़े 97 में पेपर बनल बा बारे में, तब ओकरा के तो बच्चा भी देखी तो कही कि फर्जीवाड़ा बा, आ सबसे पहल का बात बा कि दो बार पंचायती के यहाँ रखल गए आ कभी पार्टी उपस्थित नहीं है आवत नहीं है, तो हमने के का कर सब हमने के थाना के अवगत कराइए के कोनो काम कर सब, यहाँ गांव के सब लोग गांव के लोग बढ़ले बबे गांव से जान जाओ कि सही बाड़े कि नहीं है वहाँ उनका पेपर सही बा कि ना, तो गांव से भी लोग पूछ रहा जाओ सबका से कि हाँ जजमेंट जब वही देखे जाओ थाना में
बिल्कुल एगो बुजुर्ग बनी हम शायद यहाँ के डीलर भी हैं रुआ बताई रुआ तो अब पुरान बनी रुआ ये मामला जानत हो के चूंकि पहले भी पंचायती वगैरह भइल बटे पूरा फर्जीवाड़ा बाबू पूरा फर्जीवाड़ा है वो सब भगा दिया गया जबरदस्ती जमीन कब्जा कर लिया गया उसका लिखने वाला भी फर्जीवाड़ा सारा फर्जीवाड़ा है उसमें गवाही कुछ जानत नहीं एकरा बारे में बहुत कुछ बहुत दिन से बहुत कुछ जानते हैं समझिए जबरदस्ती जाकर लोग कुछ पार्टी के लोग आकर कब्जा कराए जमीन को वहाँ पर अच्छा मैं राजनीतिक भी हाँ वही लोग जाकर जमीन कब्जा कराए मालिक लोग थे अच्छा एगो एगो और चचा बानी चचा रुआ बताई ई का लागता मामला मतलब जैसे कि यहाँ के बतैनी है कि माले के लोग भी आके कब्जा वगैरह कर ले रहे तो मतलब जबरदस्ती कल जा रहा बा का बा देखिए 420 सही बह में वो बेचारा गरीब आदमी बहु ओकरा के तंग कर देता आई 420 फर्जी कागज खुली बा हमारा कहे के मतलब कि जौन लिख के मर गए बड़ा दिन में आ ले ले आ बाकी वजह से अचल संपत्ति ओकर छोड़ दे वो तो फर्जी कागज है उसको तो पंच नहीं मिलता है आ कोर्ट कचहरी भी नहीं मिलता है ये कहते हैं कि इसको दखल किया जाए तो मुखिया जी सरपंच जी तो प्रशासन का सहारा लिया जाएगा प्रशासन आएगा गांव को हाँ गांव गांव सहमति में है उसका गांव चाहता है कि उसको बसा दिया जाए उजाड़ा नहीं जाए यही बात है और आती तो अपना बयान कहती तो आदमी बिल उसमें आदमी गुड़ा भाग करता कि ये का बोलती है वो का बोलता है तो आता ही नहीं है उसको आना चाहिए नो एमें यह भी पता चलता कि मीटिंग के आयोजन कर गिल बा मीटिंग जैसे आज पंचायती रखल गिल बा तेकरा पहले भी पंचायती रखल गई रहे तो दूसरा पक्ष के जुबैरा खातून बा वहाँ के आई ना रहनी और आज भी अगर पंचायती रखल गिल बा तो एमें वहाँ के नहीं आई तो ई भी इशारा कर रहा बा कि ज़रूर कुछ ना कुछ हमें मामला गड़बड़ बटे रउआ चचा रउआ बताई रउआ जानते नहीं एक बारे में कि फर्जी हो कि सही हो का हो अरे तो यहाँ सब लोग पढ़ल लिखल आदमी बात बताई ना हम का बताई बोकरा के अरे गांव के हैं तो सुन ले जाना थोके हाँ हाँ फर्जी बढ़ले बा बिल्कुल फर्जी बा इन ये जगह है हूँ इनकर बाप मौलादीन रहबे कैलन वो 3.5 कट्टा लिखले बड़े बाकी तो नहीं लिखले जो ना कहीं फर्जी दिखावल जाता घर में लिखले बड़े 3 धुर की कितना बाकी छोड़ के तमर कैलन एजा बगल के पंचायत के मुखिया पति बानी विश्वकर्मा भाई रउआ बताई रउआ भी पंचायती मेल बनी अब पंचायत करे खातिर वह जानल जानी है जौन भाई साहब हमरा देखे में तो फर्जी लगता अब यहाँ पंच लोग बिटराइल बा पंच लोग गांव के लोग राय कर रहा बा फर्जी करार देता ए पर आगे का कार्यवाही कर रहा बनी रउआ लोग देखिए तो सिंह के मने कि गाँव हटे पंचायत ग्रांड हटे जो मुखिया जी सरपंच जी सब लोग बाटे माँ माया भाई जी बानी हो के चुनाव उनाव लड़े नहीं ना सब लोग जे गांव के हमने के जे माने सिंघई हमने के पड़ोसी के हटे घर खाली बा एगो नदिए खाली तनी हेर फेर बाटे लेकिन हमने के एकदम प्योर माने घर वाला बानी सब हमने के तो ई पेपर जन बा ले जाके छोटे बाबू के देखावल गेल बाटे सुदर्शन बाबू के देखावल गेल बाटे लोग खुद कहल बा लोग 20 रुपया के जन भी बाई नोटरी के माने ये अथी हटी ये जन भी बाटे स्टाम्प ना ही नोटरी के 20 रुपया कागज हटे ऊपर रजिस्ट्री ना होला वो सब कुछ बता देवल गेल बाटे सादा पेपर पर 10 माने रजिस्ट्री ना होला अब एक खातिर तो मान ला कि अब जबरदस्ती कौन और होला अब हड़पी लेवे के बाद उजाड़ देवे के बटे उजाड़े के ना चाहिए गाँव में रहल जला तो एक दूसरे से तरी से मार झगड़ा होला मुँह फुलवल होला लेकिन थोड़ा बा के हाँ बुढ़िया बिस्तर निकाल के फेंक दो सब सफे घर में से कुछ लोग ये बाटे कि ये जगह माले पार्टी के लोग बदनाम करके रखले माले पार्टी ठीक बाटे वही में मुख लोग जब भी माले के बाटे वो लोग नहीं कहते जाके घर तो उजाड़ दो लोग कहला लोग गरीब का मसीहा नहीं समझ के बिल्कुल गरीब का मसीहा लो ये खाली नाम खातिर लो है तो ये कहाँ से अमीर आदमी बात सुनते विकलांग देखा पीछे और पीछे पीछे इनकर भाई विकलांग बड़ी ठीक बा सब लोग बाटे तो ये लोग कहा के माने ये लो अमीर बालो है वो लोग तो माने महा गरीब आदमी बालो ये लो आजाद के हजाम हलो सबसे बड़ा बात बा कि माने माले 4-5 गो लोग माने इमें बाटे जे भी बा खौवा कमौवा लोग बाटे 4-5 गो लोग जो खौवा कमौवा पर बिजनेस उठे ले बालो कि पैसा लेके चलो गरीब के सता दवाई कर कहला लोग गरीब का मसीहा नहीं सर गरीब के गरीबे से लुटे ला लो कहीं अमेरिका लगे ना जला लोग पैसा मांगे थे ये खाली गरीबे से चंदा मांगी लो खाली चंदा मांग मांग के अपन काम कर दिलो 3-5 कहते का कि माल पटे तू जाके चंदा उसलत रह लोग का नट्ठी दाबत रह आ घर से उजाड़ के फेंकत रह तो ये लोग खाली बदनाम करके रख ले माले पट्टी के माले पट्टी के मेन करता कुछ जानकारियों ना रहा कानून तक ले आ लोग लुटे में ये लोग कसर ना छोड़ेला
तो ये कोई काम बाटे, ये माले बेचारा से गुजार के मने करेंगे फेंक दिले बोलो पूरा गांव के लोग के इतना ये लोग आके माले पट्टी के नाम धो के जुबैदी जो बिहार डरवेले बिया कि माले पट्टी के साफ जैसे में बदनाम करके रख ले बिया पूरा डरवा के रख ले बिया कि माले पट्टी धोई करा दे मऊ करा दे। तो जब करवाई दे एक बार मान ला कि ये बोले ये लोग बताए लो क्या क्या बिलवा मान लगे से क्या क्या कले बोलो बता दे तो पूछू कर लो से। सब भैया लोग देख ले बा भोला भैया भी देख पूरा है शरीर के नोच बकोट के मार पीट के सामान फेंक ओक के कर दे जो उनका शहर बन हमारे घर से नट्टी में हाथ लगा के गिरा दिलन चौकी पर के आज ले कमर में दर्द बा इज्जत लूटे के तबाह कैले रह लो। तब फिर हमारी भौजाई उनका पोता पकड़लस तो छोड़लन तो हम छोड़ के हटनी आई कन की जब इज्जते ना रही हम आई हमनी के जिए ना रह सन जगह जमीन का हमार भाई ना रहलन हम अकेले लेके अपन चल गए सब लोग से कहीं पास से कहे लो का कि पटीदार के बेटी मिल के मरली सा अभी हम बूढ़ा हो बड़ा नुहे छोड़ौले रहलन आए पाँच छः हाली मरले बोलो बाबू ओकरा बात कहे लो का कि मुसलमान में नहीं कि जात से छटाइल बड़ी हिंदू लग जाए तो कहे कि मुसलमान नहीं खिलो बोलत एगा कर कर के चार पाँच हाली मरले बोलो बाबू जब आम तागनी तब हम चल गई सामान मान बिक दिल तो हम छोड़ के चल गई सब कुछ थाना आवे पैसा दे करे बोले लो करे लो हम मजबूर आदमी औरत आदमी कितना बोलिए करे भाई विकलांग माई के लेके हम अकेले अपना सिवान में बाद में एगो रूम बाटे वही में लेके हम चल गए इलाज खातिर पटना गिरौले रहो घींच के बाल लिए लोग इतना बाल नोचारे सब कोई आँख से आंसू गिरा दे पहुँच लेकिन कुछ मुंह से ना बोले क्या गलत भाई सही बा सरपंच साहब लगे मुखिया जी लगे सब कोई के लग गल बनी सब लोग तंग होके छोड़ दे बा तो मजबूर होके हम चल गए। फिर हमारे भाई चार पाँच साल में लॉकडाउन के बाद अला हन तो फिर कहलन कि ऐसा काहे बल तो सबके भी टोले बना जो सहयोग ये लोग के होके सच्चाई हो के सामना कर देलो। बिल्कुल रउआ साफ देख सकते नहीं कि जो मामला बटे जब वहाँ के जायज़ बनी दूसरा पक्ष के तरफ से जे बा अगर वो जायज़ बढ़े तो आके जा सामने पंच के सामने हाजिर होके चाहिए पंचायती में बातचीत अपन अपन पक्ष रखे के चाहिए। साथ ही यहाँ के आसपास के लोग यो बतैल सौ कि गाड़ी इतना ज़्यादा उदली कि लोग पंचायती में पहले ना होते यहाँ लोग मतलब हिम्मत करके आयल बनी लो पंच लोग आज मतलब गाड़ी के डर से आवत ना रहे बड़ी हिम्मत करके आयल बनी लो क्या कि बहुत ज़्यादा पक्ष से गाली दिल जाला। अब सारा मामला जन बार हुआ सबके सामने बा यहाँ के गरीब आदमी बानी कोर्ट जाए के नहीं चाहत लेकिन अब सरपंच जी या मुखिया जी के भी हाथ में सब चीज़ नहीं के यहाँ के भी कहीं ना कहीं प्रशासन के मदद लेके चाहिए। महामाया जी बानी रउआ तो केस फौजदारी खूब लड़े नहीं कोर्ट उट में जाए के रुआ अनुभव बाटे रउआ बताई क्या लागत है मामला देख के। हमारा देखे में ये मामला फर्जवाड़ा भइल बा मृत्यु प्रमाण पत्र से और डीड से कोनो तुलना नहीं के आ स्वयं जुबैदा के भतीजा हुन आ उनका के उजाड़ल जाता उनका के बसे के जमीन का देवे के चाहिए हर हाल में जो उनका हिस्सा बा। बिल्कुल है मैं जो उनका हिसाब आवे वो मिले के चाहिए एक पिताजी के द्वारा जो लिख दल गल बा दे दल गल बा वो जायज़ बा जौन भी रजिस्ट्री भैलो के लेकिन जौन बाकी के जमीन बा तो मिले के चाहिए और प्रशासन के पर उचित कदम उठा के कार्यवाही करे के चाहिए।